दोस्तों एमायरोन सिरप के बारे में बात करने वाले हैं आज हम, कि एमायरोन सिरप का क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या डोज है, कब डॉक्टर इसे प्रस्क्राइब करते हैं, कब आप इसे ले सकते हैं, क्या सावधानी है, इसके बारे में बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये एमिल कंपनी द्वारा बनाई जाती है, काफ़ी नामी जानी कंपनी है और जो भी प्रोडक्ट निकालती है काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट निकालती है। और इसकी MRP रहती है 180 रुपये एमायरोन सिरप की। तो इस सिरप के बारे में बात करने वाले हैं हम। यह एक हर्बल सिरप है, मतलब एक आयुर्वेदिक सिरप है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आयरन होता है, मिनरल होता है, विटामिन्स होते हैं और ऐसे आयुर्वेदिक कंपोजिशन होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। उनके मैं बारे में बात करने वाला हूँ, बताऊँगा आपको। तो इसके अंदर रहता है पुनर्नवा मंदूर रहता है, लोज बसम रहता है, पपाया लीव्स रहता है इसके अंदर, फ्लेक्स सीड रहता है, सनफ्लावर जो होता है उसकी उसके बीज रहते हैं, और फेनग्रीक रहता है इसके अंदर, रेसिन्स रहता है, अश्वगंधा जो है वह इसके अंदर रहता है, सतावरी सुना होगा आपने नाम, मूसली जो है, वो वीट जर्म ऑयल गेहूं का ऑयल जो निकलता है वो भी इसके अंदर रहता है, और लौंग का ऑयल भी इसके अंदर मिलाया जाता है। ये सब हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं और ये सब अपना अपना एक कार्य करते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। पर इस सिरप का बेसिकली यूज़ कब किया जाता है, कब इसे पेशेंट को दिया जाता है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो इसका खास तौर पर यूज़ किया जाता है एनीमिया में। एनीमिया जब किसी व्यक्ति को हो जाता है, एनीमिया से ही ज़्यादा मतलब नहीं है, या आपकी RBC की संख्या भी ज़्यादा कम हो गई हो, RBC को इंक्रीज़ करने में जब आपको थकावट महसूस होती हो, बहुत ही कमज़ोरी महसूस होती हो, या आपकी बॉडी में ब्लड में आयरन में प्लेटलेट्स की संख्या भी कम हो जाती है, तब डॉक्टर इसे प्रेस्क्राइब करते हैं। इसे आप एनर्जी बूस्टर के तौर पर भी आप इसे ले सकते हैं। एनर्जी बूस्टर मतलब आपको बहुत ही कमज़ोरी महसूस होती हो, थकान महसूस होती हो, आप कोई भी काम नहीं कर पाते हो, जो भी काम आप करते हो उसमें बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, आप कहीं चलने में थक जाते हो आप, या आपकी सांस फूलने लगती हो, ऐसे में आपकी आयरन की कमी भी हो सकती है। और आप इसे ले सकते हैं इम्यून सिस्टम, मतलब आपको किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है, उस कंडीशन में भी आप इसे ले सकते हैं एनर्जी बूस्टर के तौर पर, इम्यून को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, या आयरन की अपनी कमी को पूरा करने के आप इसे ले सकते हैं। तो इसके यूज़ बस यही है कि आप इसे एनीमिया की कंडीशन में, कमजोरी कंडीशन में आप इसे ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसे प्रेगनेंसी में लेना है या नहीं लेना है। तो आप इसे प्रेगनेंसी में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने डॉक्टर की सलाह से लेना है। और जो महिलाएं दूध पिलाती हैं वह भी इसे ले सकती हैं, क्योंकि क्या होता है जब माएँ दूध पिलाती हैं तो उनमें बहुत ही कमज़ोर हो जाती है महिलाएँ, सही तरह से दूध भी नहीं बन पाता है। तो आप इसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एल्कोहल के साथ तो आप इसे बिल्कुल भी ना लें। और यदि आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन इसके साथ लेते हैं तो आप दोनों के बीच में 3 से 4 घंटे का अंतर जरूर रखें। या आपने एमायरोन सिरप लिया है तो उसके 3 से 4 घंटे बाद आपकी जो भी दवाई चल रही है उसको लें, जैसा आपको लगे, दोनों में से 3 से 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट है ना, तो इसके साइड इफ़ेक्ट इसके अंदर जो है सारे हब्स डाले गए हैं, आयुर्वेदिक है तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आपको रेडनेस हो सकता है स्किन पर, या कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। वो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी डोज, क्या डोज रहती हैं इसकी। तो इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसे छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़े व्यक्ति भी इसे ले सकते हैं। छोटा व्यक्ति कितना, तो आप 1 साल से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी डोज है 1 साल से 2 साल तक के बच्चे आप इसे ले सकते हैं, 2.5 ml आप उनको दे सकते हैं। और जो है 2 साल से 4 से 6 साल तक के बच्चे को आप इसे 5 ml दे सकते हैं 2 बार सुबह और शाम। और जो 7 से 12 साल तक के बच्चे हैं उन्हें आप 10 ml सुबह 10 ml शाम दे सकते हैं। और जो 12 साल से 60 साल तक या 60 साल से ज़्यादा के व्यक्ति हैं आप उसे 15 ml शाम को 15 ml सुबह दे सकते हैं। खाना खाने के बाद ही आप पहले भी दे सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि खाना खाने के बाद ही आपको इसे देना है।
तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।